नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य, आपका दोस्त तरफ स्वागत करता हूं आपके हिमाचल प्लेस टेक्निकल में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं कि अपने नोटिफिकेशन बार को कैसे चेंज किया जाए, जो आपका जेनेरिक कलर होता है ब्लैक या वाइट, या आपके नोटिफिकेशन बार में ज़्यादा कुछ फंक्शन भी नहीं है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा देख पाएंगे कि आपके नोटिफिकेशन बार में बहुत सारी फंक्शन आ गई हैं, जो आप उसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं अपने नोटिफिकेशन बार में। दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिए बिना स्किप किए हुए, और दोस्तों थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मुझे सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल का आइकन उसे दबा दीजिए, और वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए। मैं बहुत ही अच्छी वीडियो टेक वीडियो आपको देता रहूँगा फ्यूचर में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये टेक वीडियो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले दिखा दूँ मैं आपको कि हम करने क्या वाले हैं। एक्चुअली दोस्तों हम नोटिफिकेशन बार को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करने वाले हैं। जिनके फ़ोन में नोटिफिकेशन बार नहीं होगा, या जो अपना कलर चेंज करना चाहते होंगे, या कुछ मज़े वाला करना चाहते होंगे, वो कर सकते हैं इसे इंस्टॉल। जैसे देखिए मेरा नोटिफिकेशन बार, यहाँ पे आपको कुछ भी एक्सेस करने को नहीं मिलता है, फुल का फुल यहाँ पे आप नोटिफिकेशन ही एक्सेस कर सकते हैं, और कुछ यहाँ पे सेटिंग्स नहीं मिलती है, जो कि मेरे फ़ोन में यहाँ पे पूरा ब्लैंक का ब्लैंक रहता है। एनी टाइम जो भी नोटिफिकेशन आएंगी आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन बार के जरिए। आपको फंक्शन मिलता है लेकिन यहाँ पे मिलता है, बहुत सारी सेटिंग्स मिलती हैं यहाँ पे, आप इसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन कुछ इसका अलग है। लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे डोगट या ओयो जैसी सेटिंग्स यहाँ पे शो करे, तो इसके लिए थोड़ा सा छोटा सा स्टेप है हमारे लिए, चलिए उसको करके देखते हैं क्या होता है। अब चालू करना होगा आपको प्ले स्टोर, और यहाँ पे टाइप करना होगा इसी ऐप के लिए मटेरियल नोटिफिकेशन सेट। आप देख लीजिए इसको मटेरियल नोटिफिकेशन सेट, आपको इस आइकन को देख लेना चाहिए ठीक से। आपको लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, लेकिन आप इसे देख लीजिए आपके लिए बेटर रहेगा। अब मैं करता हूँ इसको डायरेक्ट ओपन, आप कर लीजिएगा इंस्टॉल। यहाँ पे हमें करना होगा इसको ऑन, फिलहाल तो ये ऑफ है, चलिए करते हैं इसको ऑन। प्लीज इनेबल द फ्लोइंग परमिशन टू अलाउ द ऐप टू वर्क करेक्टली, मतलब आपका ये नोटिफिकेशन एक्सेस करना चाहता है, आपको शो करना चाहता है, तो अलाउ करिए इसको, यहाँ पे है, इसको अलाउ करना होगा और फिर बैक करना होगा, फिर राइट, रिप्ले के लिए इसे भी करना होगा, अब करना होगा बैक। रेडी फॉर यूज आपके लिए तैयार हो गया है, देखते हैं वाइट वाइट, ये है आपका नोगट स्टाइल, इसे कर दीजिए, नहीं ओरियो था इसको आप नोगट कर दीजिए। यहाँ पे आपको ब्लैक मिल जाता है, और यूजर एम यूजर नेम आपको यहाँ पे मिल जाता है, आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसका व्हाइट है तो इसको आप कर दीजिए ग्रीन या रेड या ब्लू, जो भी आपका फेवरेट हो। देखिए यहाँ पे पूरा फोन का लुक ही चेंज हो गया मेरे, जबकि पहले मुझे कुछ भी एक्सेस करने के लिए नहीं मिल रहा था यहाँ पे। अब मैं बहुत सारी सेटिंग्स यूज़ कर सकता हूँ और मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, मेरा जो मन करे वो कर सकता हूँ। अब यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस है सिस्टम सेटिंग के लिए, और यहाँ पे मैं ट्रांसपेरेंसी भी ऑन कर सकता हूँ। ट्रांसपेरेंसी ऑन करने से मेरा जो पीछे का रहता है डिस्प्ले पे जो भी होगा वो थोड़ा थोड़ा शो करता है, तो इसको ऑन करके मैं चेक कर देता हूँ। देखिए दोस्तों ये पीछे का जो भी राइट हुआ है मेरे स्क्रीन पे वो दिख रहा है थोड़ा थोड़ा फिलहाल, यहाँ पे आप जो नोटिफिकेशन शो करके उसका भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ब्लैक है अभी, येलो कर देता हूँ,
अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो उसका बैकग्राउंड येलो हो सकता है। तो दोस्तों यही था आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। अब तो मेरा फ़ोन थोड़ा एडवांस हो गया है, इस ऐप के जरिए आप भी कर सकते हैं। और वीडियो लाइक हो आपको दोस्तों, आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और थोड़ा सा सपोर्ट करिए दोस्तों, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों आपका दिन शुभ हो, जय हिंद, वंदे मातरम।